नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं इस चैनल पे ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरास के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेके आया हूँ जो आपके लिए आउटडोर सीसीटीवी का भी काम करेगा और आपका वीडियो डोरबेल का भी काम करेगा। और वो डिवाइस है ये एक्चुअली एक वीडियो डोरबेल है और ये एक सीसीटीवी का भी काम करता है। इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालना पड़ेगा और वहीं पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा आपके घर के दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है, और उसके लाइव प्रीव्यू को आप मोबाइल पे भी देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये लाइव है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है इसके अंदर, और उसके प्लेबैक को भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं। और जो कि ये एक डोरबेल है, जब भी कोई गेस्ट आएगा और इस बटन को दबाएगा तब आपके घर के अंदर बेल बजेगा और इसका जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक वीडियो कॉल आएगा और उसको रिसीव करके दरवाजे के बाहर कौन है आप देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं एक डेमो देता हूँ, इसको अभी मैं प्रेस करने वाला हूँ। तो आपने देखा बेल बज गया है और इस मोबाइल पे एक वीडियो कॉल आया है, तो अभी इसको रिसीव करना पड़ेगा। चलिए रिसीव करते हैं। तो दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है आप उनको देख पाएंगे और उनसे बात कर सकते हैं। तो ये हो गया एक बहुत ही काम का चीज़, इसको बोला जाता है वीडियो डोरबेल और ये एक आउटडोर सीसीटीवी कैमरा का भी काम करता है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ और इसके वीडियो सैंपल को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो सब देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको इसका प्राइस पता करना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग को। तो ये रहा वो वीडियो डोरबेल का बॉक्स, कंपनी का नाम है हाई फोकस, और ये वाला डोरबेल अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी कंपेटेबल है। इस साइड में इस डोरबेल का फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि ये 2 मेगापिक्सल का है जो 1080p फुल एचडी का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और इसके अंदर 4800mAh का रिचार्जेबल बैटरीज है। साथ ही इसके साथ वायरलेस चाइम भी मिलेगा। इसमें PIR ह्यूमन डिटेक्शन भी है, और ये मोशन डिटेक्शन नहीं मतलब ह्यूमन डिटेक्शन है, मतलब इसका जो कैमरा है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस कर सकता है। और इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 128GB का। और ये वाईफाई डोरबेल है, इसमें नाइट विजन भी है, टू वे ऑडियो भी है, और इसका जो व्यूइंग एंगल है वो है 145 डिग्री का, और ये IP65 वाटरप्रूफ भी है। उसके बाद इस साइड में इसके ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड दिया हुआ है जो ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। उसके बाद दूसरे साइड में देखते हैं, सेम है, पीछे भी सेम है, इस साइड में भी सेम है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ये हो गया यूजर मैनुअल, इसको पढ़ के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया एक्सेल डोरबेल, तो इसको देखेंगे और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स के अंदर और दो बॉक्स है, तो चलिए अभी इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर मिला है चार्जिंग केबल जो है USB टू माइक्रो USB, और इंस्टॉलेशन करने के लिए स्क्रूज भी मिला है साथ में, और ये वाला हो गया स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा इसको खोलने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरे बॉक्स में क्या है। तो दूसरे बॉक्स के अंदर है वायरलेस चाइम। तो एक्चुअली ये एक डोरबेल है, इसको जब दबाएंगे यहाँ से साउंड आएगा। तो इसमें स्पीकर है लेकिन बैटरी नहीं है। इसके पीछे एक USB पॉइंट दिया हुआ है जिसको आपको मोबाइल चार्जर पे लगा कर रखना पड़ेगा। तो ये सब हो गया बॉक्सी कंटेंट। चलिए अभी देखते हैं इस वीडियो डोरबेल को पास से। तो ये वाला हो गया एक्चुअल डोरबेल, यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हैं, और यहाँ पे IR लाइट्स भी है नाइट विजन के लिए, और ये वाला हो गया पुश बटन, तो इसको दबाने से कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और जो साउंड है यहाँ से आएगा। और इसमें माइक भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक है। उसके बाद इस साइड में ये हो गया चार्जिंग इनपुट, तो यहाँ से इसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भी स्पीकर्स है, नीचे आप देख सकते हैं, ये वाला हो गया स्पीकर्स, ये वाला हो गया पीछे का हिस्सा, ये वाला ऊपर का। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए इसको आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए ये वाला स्क्रू है, और साथ में जो ये वाला स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ था इससे इसको खोलना पड़ेगा। चलिए खोलते हैं इसको। तो खुल चुका है, तो अभी खींचने से ये वाला जो डोरबेल है निकल आएगा। तो देखिए ये वाला डोरबेल निकल चुका है। इंस्टॉलेशन करने के लिए ये वाला जो कैबिनेट है इसको आपको डोर के साइड में वॉल पे लगाना पड़ेगा। इसके लिए ये वाला स्क्रूज दिया हुआ है, इसको वॉल पे ड्रिल करके आपको ये वाला कैबिनेट आपको वॉल पे लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर इसको लगा के इस स्क्रू को टाइट कर देना पड़ेगा। तो इस वीडियो डोरबेल पे ऊपर में और एक रैपर लगा हुआ है, चलिए इसको निकाल देते हैं। तो इस वीडियो डोरबेल का ये वाला साइड मैंने आपको दिखा दिया जहां से इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी दूसरे साइड में देखते हैं। तो दूसरे साइड में यहां पे आपको मिलेगा ऑन ऑफ का स्विच, रिसेट का बटन और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। यहाँ पे आप अप टू 128GB का माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। तो अभी इसमें मैं एक 32GB का माइक्रो एसडी कार्ड डालने वाला हूँ।
तो इसमें ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा और ये एक सीसीटीवी कैमरा जैसा काम करेगा। तो चलिए अभी इसको चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज करने के लिए ये वाला जो माइक्रो यूएसबी केबल साथ में मिला था उसका यूज करेंगे और दूसरे हिस्से पे आप अपना मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। तो अभी ये चार्ज हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड लाइट जल रहा है और जब फुल चार्ज हो जाएगा ये वाला लाइट ब्लू नहीं तो ग्रीन हो जाएगा। तो अभी बैटरी ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो चुका है, इसीलिए चलिए अभी इसको ऑन करते हैं और इसका सेटअप करते हैं। तो सेटअप के लिए इसका जो ऐप है एसएफ स्मार्ट, इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद टैप करना है ऊपर में दिए गए प्लस आइकन पे। उसके बाद ऐप डिवाइस पे टैप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट डोरबेल को। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या डोरबेल का लाइट ब्लिंक हो रहा है और क्या उसमें से आवाज आया था, जो कि आया था और लाइट भी ब्लिंक हो रहा है, इसीलिए इसको सिलेक्ट करके टैप करेंगे नेक्स्ट पे। इस स्टेप पे आपको आपके घर के ब्रॉडबैंड का वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा। अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड नहीं है तो आप इस तरह का 4G सिम बेस्ड वाईफाई डोंगल या फिर 4G सिम बेस्ड वाईफाई राउटर घर पे लगा सकते हैं। इनमें सिर्फ आपको कोई भी सिम कार्ड डालना होगा और आपका घर वाईफाई एनेबल्ड बन जाएगा। अगर आपको ये लेना है तो इनको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने अपने ब्रॉडबैंड का वाईफाई पासवर्ड डाल दिया है और अभी नेक्स्ट करेंगे। अभी ये जो QR कोड डिस्प्ले हो रहा है इसको दिखाना है डोरबेल के कैमरा को, जो कि एक आवाज़ आया, इसीलिए अभी टैप करेंगे आई हर्ड ए प्रॉम्प्ट पे। अभी कुछ देर पे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब डन करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे वायरलेस बेल को और फिर से डन करेंगे। और डन करते ही ये डोरबेल ऑनलाइन हो चुका है और रिकॉर्डिंग भी चालू हो चुका है। तो इस वीडियो डोरबेल का सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अभी चलिए देखते हैं इस ऐप का फीचर्स। तो एकदम बीच में आपको लाइव प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि डोर के सामने क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर का आइकन है, इसको ऑन करके आप अपने घर के दरवाजे के बाहर के ऑडियो को सुन सकते हैं। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे आपको बैटरी लेवल मिलेगा कि इस डोरबेल पे कितना बैटरी रिमेनिंग है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का मोड मिलेगा, इसको दबाने से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, देखिए। उसके बाद आप यहाँ से फोटो ले सकते हैं, यहाँ से कॉल कर सकते हैं, इसको दबाने से आपका जो आवाज है इसमें से आएगा और उसके सामने जो भी खड़ा है उससे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इसको दबाने से इस कैमरा का वीडियो आपके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा और आपके मोबाइल पे ही सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेबैक मिलेगा, मतलब इसके अंदर जो माइक्रो एसडी कार्ड है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और पुराना रिकॉर्डिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक सीसीटीवी जैसा काम करता है। यहाँ पे आप डेट वाइज भी देख सकते हैं, आप प्रीवियस किसी भी दिन का किसी भी समय का वीडियो रिकॉर्डिंग को वापस देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसका सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पे जाने के लिए आपको ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा और सेटिंग्स से आप इसको अमेजन एलेक्सा और गूगल होम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ आपको इस डोरबेल को आपके घर के बाहर लगाना है और ये वाला जो चाइम है इसको आपको घर के अंदर लगाना है। तो इसको लगाने के लिए एक मोबाइल चार्जर ले सकते हैं और इसको आप स्विच बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो जब कोई भी इसको प्रेस करेगा तब इसमें से आवाज आएगा और वीडियो आपको देखने को मिलेगा मोबाइल पे। तो चलिए अभी इसको मैं मेरे डोर के बाहर लगा देता हूँ और साथ ही इसका जो वीडियो सैंपल है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है मेरा पुराना टेक्नोलॉजी का डोरबेल और ये है मेरा मॉडर्न जमाने का वीडियो डोरबेल। अगर आपको लगता है कि कोई इस डोरबेल को यहाँ से निकल के चुरा के लेके भी जा सकता है तो ये इतना आसान नहीं है। पहले तो इस डोरबेल को निकालने के लिए नीचे दिए गए स्क्रू को खोलना पड़ेगा, जो खुलता है सिर्फ इस तरह का स्पेशल स्क्रू ड्राइवर से। और अगर फिर भी कोई इसको खोल के निकालने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, देखिए। तो जब भी कोई इसको निकालने का ट्राई करेगा तब इसमें से अलार्म बजेगा और कोई हिम्मत नहीं करेगा और साथ ही उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ से हो जाएगा और आप अपने मोबाइल पे लाइव भी देख पाएंगे। तो ये बहुत सिक्योर है, सेफ है। तो ये हो गया कैमरा का वीडियो सैंपल और जो ऑडियो है इसी से रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने इस वीडियो डोरबेल को हाथ पे पकड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका वीडियो क्वालिटी कितना ज़बरदस्त है और इससे आप ब्लॉग भी शूट कर सकते हैं। और ये एक बैटरी वाला सीसीटीवी कैमरा भी है, तो आप देख लीजिए वीडियो सैंपल कैसा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको ऐसे हाथ में तो नहीं पकड़ा जाएगा, इसको बाहर पे ही लगाना पड़ेगा।
सिर्फ अंदाजा के लिए मैंने आपको दिखाया है इसका वीडियो क्वालिटी कितना जबरदस्त है, बढ़िया है। तो ये वाला हो गया नाइट विजन का सैंपल। अभी कमरे पे बहुत ही अंधेरा है, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने फ्लैश पे DSLR भी ऑन करके रखा है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि अंधेरे पे ये कैमरा कितने अच्छे से रिकॉर्ड करता है। तो ये था इस कैमरा का नाइट विजन का सैंपल। तो आपको ये वीडियो डोरबेल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो इसमें प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है, लेकिन जो कमी मुझे लगा वो है इसको चार्ज करने के लिए बार बार इसको खोल के आपको घर के अंदर लाना पड़ेगा, चार्ज हो जाने के बाद दोबारा इसको आपको बाहर पे लगाना पड़ेगा। वैसे इसमें USB पॉइंट दिया हुआ है जहां से आप इसको कंटिन्यू पावर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको आपके घर के बाहर एक स्विच बोर्ड चाहिए होगा। उसके अलावा इसको कोई चुरा के लेके भी जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसमें से साइरन बजता है, तब इसको कोई चुराने का हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी एक तो डाउट बना ही रहता है। उसके बाद आखिर में मुझे लगा इसका जो प्राइस है उस रेंज में इसके साथ एक स्क्रीन भी मिलना चाहिए था, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको मार्केट पे स्क्रीन के साथ वीडियो डोरबेल मिल जाएगा, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको उस टाइप का वीडियो डोरबेल लेना है जिसमें स्क्रीन भी आता है, उसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको भी खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ इसको यूज करने के लिए आपको स्मार्टफोन का जरूरत पड़ेगा। तो आखिर में मेरा कंक्लूजन है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये डोरबेल का भी काम करता है, CCTV का भी काम करता है, और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, और इनबिल्ट बैटरी वाला CCTV का दाम 5000-6000 ऐसा होता है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का यूजफुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।